आज के ब्लॉग की शुरुआत दे रही है शाम के पाँच। अच्छा, आज मैंने ब्लॉग शुरू कहाँ करा है तो आज अब ब्लॉग शुरू हो रहा है तो अब मैं जा रहा हूँ त्याई घर। अब कल मैं त्याई घर गया लेकिन मैं त्याई घर रुका नहीं। उसका रीज़न ये था कि वाईफाई चला नहीं, वाईफाई से मैं कुछ काम था, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ नहीं और जो शूटिंग वाले बंदे आ रखे थे वो रात के 12:30 बजे गए तो मैं समझ गया था कि कुछ होना जाना नहीं है। मैं अपने घर गया, खाना पानी करके बढ़िया सो गया। तो आज मैं जा रहा हूँ त्याई घर। ओके, और देखते हैं हम किस बारे में बातचीत करेंगे आज, इसके फ्लैट पे जाके देखेंगे। ओके चले भाई, आपके फ्लैट में चलो, अभी डायरेक्ट घर चले ना। हाँ, मैं चल कर ले, चलो भाई घर चलते हैं। ये हमारे राहुल भैया हैं एडिटिंग से और आज इन्होंने साफ सफाई का मोर्चा उठाया, देखो भाई झाड़ू पोछा और सबके जूते बाहर निकलवा दिया। ओए होए होए, इसे कहते हैं साफ सफाई। तो अभी जो आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा वो भी मैं यहीं बालकनी से खड़े होकर, मतलब फ़ोन तो शूट कर रहा था और मैं इसको देख रहा था, काफ़ी मतलब मज़ेदार सा लग रहा है ये वाला व्यू। ओके, तो आज हुआ क्या था कि रात को तो मैं निकला था ये घर से और मैं अपने घर गया। वहाँ पर मैंने कल रात की स्टोरी बता रहा हूँ एक्चुअली मैं ये, तो वहाँ पर मैं गया और 11 बजे मैं सोया और मैंने अलार्म लगाया 4 का कि मैं 5 घंटे सो जाऊंगा और 4 बजे उठ जाऊंगा और मुझे कुछ काम थे। 4 बजे अलार्म बजी, मैंने बंद की और मैं सो गया और मैं उठा 9 बजे के 8:30 के आसपास। सबसे पहले फिर मैंने बाल कटाए और उसके बाद मैं नहाया धोया और अपना कॉलेज आ गया, कॉलेज में पूरा स्पेंड किया और अब हम आपके सामने हैं। आज की रनिंग मिस हो गई। ओके, सो इट्स लाइक अ फेलियर आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा यही होता है कि भाई कुछ चीज़ें जब कंटिन्यू ना हो तो उनको कल से वापस से आप कंटिन्यू कर लो। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि हमें रूटीन बनाते, जैसे मैं 2-3 दिन रनिंग पर गया और फिर आज जैसे मिस हो गया तो हम क्या करते हैं कि यार छोड़ अब रूटीन टूट गया अब नहीं करते। तो एक जापानीज प्रोवर्ब है, मैं भूल गया और उसके बारे में मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ शायद कि पिछले व्लॉग्स में, कि फॉल डाउन 7 स्टैंड अप 8, मतलब 7 बार गिरो 8 बार उठो, ऐसा कुछ था। मैं शायद गलती बोल रहा हूँ कुछ। ओके, सो वो चीज़ है, कोई नहीं आज नहीं गए तो कल जाएंगे। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि आज मैं शाम को घर जाके शाम को रनिंग करने जाता, लेकिन वही कि डाविंची फिर सीखना है तो अभी हम बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं और मेरे जूते भी आज रनिंग वाले हैं, ट्रैकिंग वाले हैं, तो उनमें रनिंग करने में हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आज का रेस्ट काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हो। तो मैं घर जाऊँगा कल सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, 5:30-6 बजे तक तैयार व्यार होकर रनिंग करके आऊँगा बढ़िया कल। ओके, और कल का मेरा एक्चुअली ऑफ है तो कल मैं घर पे बैठ के ही डाविंची की प्रैक्टिस करूँगा, कलर ग्रेडिंग वगैरह की, और एक देखेंगे किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया जाए। बाकी मुझे जो शेयर करना था वो एक्चुअली ये था कि सुबह मैं उठा 4 बजे, मैंने अलार्म बंद करी और मैं सो गया और उठने के बाद एक बड़ा गिल्ट सा फील हुआ कि यार क्या किया मैंने। एक्चुअली सोने का रीज़न ये भी हो गया ना कि मैं पूरे दिन थका और मैं कल, अगर मैं कल सुबह जो मैं रनिंग करके आया मैंने फुल बॉडी का यूज़ कर दिया था और जब मैं 4 बजे उठा था एक्चुअली मैं कॉन्शियस था उस टाइम पर और बॉडी पूरा पेन कर रही थी, हाथ पैर दर्द और बहुत अजीब सा लग रहा था, एग्जॉस्टेड था काफ़ी मैं सैटरडे संडे भी, तो मेरे को लगा वो कुछ फैक्टर्स रहे होंगे कि मैं नहीं उठ पाया और फिर मेरा मन भी नहीं किया, मतलब मैं उठा ऐसा शरीर वरीर दर्द हुआ वापस हो गया। ओके, तो ठीक है, चीज़ें होती है, अभी हैबिट है नहीं, हैबिट धीरे धीरे बनेगी, क्योंकि मेरे को याद है मैं पहले रनिंग किया करता था रेगुलर, तब ऐसा होता था कि अलार्म बजने से 1-2 मिनट पहले अपने आप खुल जाया करती थी। ओके, तो ये चीज़ होती हैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, शायद उनके साथ भी कभी हुआ होगा। तू क्या हाथ नहीं लाए कड़ा है तू पकड़े के तार ऐसे हाथ वेव कर रहा है। अच्छा, वेव कर रहा था, फिर ठीक है, बाकी मेरी रिफ्लेक्शन में कट गया होगा तू। ओ एडिटर है ना तू, फ्रेम देख गया है। सो ये चीज़ सबके साथ होती है आई गेस, ठीक है ना, तो जब कोई चीज़ मिस हो जाए, अच्छी कोई चीज़, वर्कआउट है फिर कुछ और, तो उसको ज़्यादा दिल पे ना लेके आगे का सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं ना पास का नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, मतलब ये किसी के लिए छोटी बात है, किसी के लिए बड़ी बात हो सकती है, मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। किसी को कहा हाँ भाई ठीक है, क्या एक दिन मिस हो गया तो क्या ही दिक्कत है, तो ठीक है, इट्स फाइन। बस एक छोटी बात शेयर करनी थी, मुझे भी नहीं, अब मुझे अभी तक नहीं पता इसका थंबनेल क्या रहेगा और इसका टाइटल क्या रहेगा, और मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है मुझे। ओके, तो ठीक है, ये व्लॉग तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लगा लाइक करना, बकवास लगा कुछ बोर मारा डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है,
मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं प्रॉपर एक रनिंग करने जा रहा हूँ सुबह, चाहे आज मैं रात कितने बजे भी सोऊं। ये कमिटमेंट एक दे रहा हूँ, वही ना कि कमिटमेंट ऐसे दे देना चाहिए, क्योंकि वरना फिर है ना कल को बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं नहीं गया तो वो चीज़, ठीक है ना। सो यस, गुड नाइट, दिस इज सन सिटी हाइट्स, बाय बाय। तो भैया ये आज का हमारा सेटअप है, मैंने अपना लैपटॉप इसे कनेक्ट कर दिया है त्यागी की स्क्रीन से। ये हमारे त्यागी भैया देसी स्टाइल में बैठ के यहाँ माउस कीबोर्ड लगा के प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और बता बाकी भाई, ये है हमारे विक्रम भाई, आज मिलाओ, आप हमारे ब्लॉग में पहली बार आ रहे हो। ये है ऑडियोग्राफी डिपार्टमेंट से हमारे, तूने मेरे जाना, बस बस। तो भाई ये बहुत अच्छे सिंगर हैं और ये वैलेंटाइन डे के लिए हमसे गाने सजेशन ले रहे हैं, तो मैं त्यागी और अंकुश भाई इनको गानों की सजेशन दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सारे गाते हो त्यागी, कभी फोन खोले बैठा है, सारे बता देगा। अच्छा अरे वैलेंटाइन डे पे बुला देना, क्यों गाओगे? अरे पर ये तो सैड सॉन्ग नहीं हो गया बुला देना? वैलेंटाइन डे ना, अच्छा कोई नो भी तो कब गई किसी का बिना रिलेशनशिप वाला भी तो होगा ना, कोई खबरें का वो रखो, वैलेंटाइन मिस कर रहा हूं, वैलेंटाइन डे मिस कर रहा हूं, उसके बाद पीने के लिए आएगा जीता। अरे नाइस भैया, ज्यादा बढ़िया, तुम ही हो जोर से तुमको सुन रही है, सुन ले जरा ये दिल से क्या कह रही है। प्रैंक हो गया था ये आईना।